हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबको हैप्पी धनतेरस और हैप्पी छोटी दीपावली। और इसी फेस्टिव सीज़न के लिए मैं आपके लिए लाई हूँ एक खास रेसिपी। ये रेसिपी बहुत इजी है और आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए बनाते हैं पिस्ता लड्डू। पिस्ता लड्डू बनाने के लिए हम ले लेंगे खूब सारे पिस्ते और इसको ड्राई रोस्ट कर देंगे करीब 10 मिनट। और जब ये ठंडे हो जाएं तो इनको हम ग्राइंड करके इनका एक फाइन पाउडर बना लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे कार्डमम सीड यानी कि इलायची पाउडर। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी पिसी हुई चीनी और इसे खूब अच्छे से मिक्स कर। जब ये मिक्स हो जाए तो हम इसमें डालेंगे देसी घी। इतना ही देसी घी डालेंगे कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और हम इसके छोटे छोटे लड्डू बना सकें। बहुत हेल्दी रेसिपी है ये, क्योंकि इसमें पिस्ते, चीनी और घी के अलावा कुछ भी नहीं है। और एक बार ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम इसके छोटे छोटे लड्डू बना लेंगे। और ये हमारे लड्डू तैयार हैं। इसके बाद इसे थोड़ा अच्छी प्रेजेंटेशन देने के लिए हम ड्राई पिस्ता पाउडर में जो अनरोस्टेड है उसमें डिप करके थोड़ा सा सिल्वर फॉइल लगा लेंगे। और ये हमारे पिस्ता लड्डू तैयार हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा हैंडल है अल्ट्रा डॉट फूडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।